नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। एक समय था जब मेले, मंडई और सावन माह की पंचमी में देश भर के अनेक स्थानों में कुश्ती दंगल का आयोजन पूरे उत्साह के साथ समारोह पूर्वक होता था। बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी व्यक्ति दूर दूर से इस खेल का आनंद लेने आयोजन स्थल तक समय निकाल कर पहुंचते थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश का ये पारंपरिक खेल बालाघाट जिले में भी लगातार कम होता जा रहा है। पहलवानी और स्वास्थ्य से जुड़े इस खेल को लेकर बालाघाट के जिला कुश्ती संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि पारंपरिक खेल कुश्ती को बढ़ावा देने और पूर्व की भांति इसे लोकप्रिय बनाने और युवाओं को इस खेल के प्रति आकर्षित करने और कुश्ती को एक नई पहचान दिलाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि इसके प्रति युवाओं का रुझान पूर्व की भांति बढ़ सके। पूर्व कुश्ती खिलाड़ी, जनपद सदस्य और जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने कुश्ती को राष्ट्रीय खेल बनाने की भी मांग की और कहा कि इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सर, आपका परिचय? उम्मेद लिल्हारे। आपको जिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है, और इसमें आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिले में और प्रदेश में कुश्ती को एक नई पहचान दिलाने में? ये तो अभी बनाया गया मुझे अध्यक्ष, मैं लगभग जब से सरपंच था इस गांव का, बटेरा का सरपंच बना, जिला पंचायत बना, 20-21 सालों से कुश्ती खेल को, क्योंकि मैं, मेरा बड़ा भाई, हमारा परिवार और हमारा ये क्षेत्र कुश्ती प्रेमी रहा है, तो इस खेल को 20-21 साल से मैंने बढ़ावा देने का काम किया है। हर प्रतिवर्ष अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े दंगल, जिला केसरी, भारत केसरी तक की कुश्ती हमने पहले कराई है। तब तो हमको ये अध्यक्ष पद नहीं था। हम चाहते हैं कि ये कुश्ती, ये खेल स्वास्थ्य के लिए बड़ा आवश्यक होता है, कसरत करने का काम है ये, इसलिए हम इसको ज़्यादातर, और ऊपर से बालाघाट जिला है, कुश्ती प्रेमी जिला है, तो ये पहले लुप्त हो गई थी, उसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ गिने चुने ही आयोजन हो पाते हैं, तो क्या इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि हर ब्लॉक स्तर में और जिला मुख्यालय स्तर में और अंतर्राज्यीय स्तर में कुश्ती की जो प्रतियोगिता वो आयोजित की जाए, ताकि जो लोग इससे छूट चुके हैं, किनारा कर चुके हैं, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, फिर वापस पहले जैसी स्थिति आ जाए? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि लोग क्रिकेट और दूसरी चीज़ खेलों की तरफ ज़्यादा बिल्कुल आकर्षित होते हैं और उनमें लगे रहते हैं। अभी क्या है, ये बालाघाट जिले के सीमित क्षेत्र में है, यहाँ से बालाघाट शहर से लगे हुए आसपास के गांवों में, और गांव में होती है कभी मेले में कभी मंडाई में। हम इसको प्रयास करेंगे कि पूरे ज़िले भर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर ये कुश्ती का दंगल हो। कुश्ती ने हमारे यहाँ जिले के हो या प्रदेश के हो या देश के जो पहलवान हैं, उन्होंने कुश्ती में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उपलब्धि हासिल की है, मेडल्स लाए हैं, प्रतियोगिता जीती हैं, और उनका भी, उनने भी मांग की है और उनका भी कहना है कि कुश्ती को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, क्या कोई प्रयास करेंगे संयुक्त रूप से प्रदेश स्तर में या राष्ट्रीय स्तर में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रयास रहेगा, और कुश्ती के माध्यम से कई ऐसे हमारे साथी हैं, कोई पुलिस में लग गए हैं, कोई सेना में गए हैं, कुश्ती एक बड़ा शानदार माध्यम है ऊपर सर्विस में जाने का, और हम फिर से पूरी तरह और अच्छा प्रयास करेंगे कि और हमारे लोगों को, कुश्ती खेलने वाले कुश्ती प्रेमियों को, कुश्ती के पहलवानों को उसका लाभ मिले। भारत में सुशील पहलवान जैसे बड़े बड़े पहलवान जिनने मेडल, कांस्य पदक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की पहचान बनाई है, क्योंकि भारत में थोड़ा, भारत कुश्ती प्रेमी है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय खेल कुश्ती को नहीं माना जाता है। हम शासन से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि उसको राष्ट्रीय खेल बनाया जाए, और बढ़ावा देने के लिए, लोगों में और उत्साह बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेल के, ऐसी मैं मांग करता हूँ।